हेलो माय डियर सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ। जून 2022 आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है जून 2022 में आपके लिए, क्या गाइडेंस रहेगी, क्या करना है आपको, और इसके साथ ही साथ ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं हम सब देखेंगे। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ सेजिटेरियस कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये वीडियो, तो सभी की एनर्जीज बीच में आएंगी। हो सकता है सभी चीज़ें आपसे रेजोनेट ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ें हो वही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए सेजिटेरियस स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं सेजिटेरियस धनुराशि जून 2022 ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी सेजिटेरियस धनुराशि वालों के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, एक कार्ड अपने आप, दो कार्ड आए हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, टू कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो दोनों ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए सेजिटेरियस, यहाँ आपको बोला जा रहा है अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये टाइम है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। किसी चीज़ को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, मतलब रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, मतलब उसको रिलीज़ करने के लिए एक्शन लेने का वक्त आ गया है, तभी आप एक न्यू बिगनिंग ला सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ आपको ये जो महीना है अपने मन को थोड़ा स्थिर करना है और एक्शन ओरिएंटेड होना है। आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, पहले आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ है, या जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस काम को लेकर के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ है जो आपको एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आगे बढ़ने में, तो उसको लेकर के आपको वो एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, तभी आप उस मैनिफेस्टेशन को या फिर उस ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये वक्त जो है ये सिर्फ सोच विचार का नहीं है, एक्शन लेने का है, मूवमेंट लाने का है, आगे बढ़ने का है, कुछ मतलब क्रिएट कहूँ या फिर मतलब बस शुरू हो जाओ, मतलब अब सोचो मत उसको लेकर के, ये महीना उस पर एक्शन लो, क्योंकि ये एक एनर्जी आई है आपके लिए और आप एक इस मोमेंट में रहोगे। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है क्या चीज़ है आपकी लाइफ में। आई एम सॉरी, इस बार जो मैं रीडिंग कर रही हूँ मैं बहुत कम रिलेट कर पा रही हूँ जो लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं ऊर्जा पिक कर रही हूँ, मे बी आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें हो रही हैं तो मैं तभी वो ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ, तो उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है। जो रिलीज़ करने का है आपको पहले ये सोचना है कि उसको आगे बढ़ने में क्या चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने में, तो उसको लेकर के एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, तभी आप जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, चाहे किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, चाहे किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना है, चाहे कोई घर मैनिफेस्ट करना, कुछ भी करना चाहते हो, ये अलग अलग आप लोगों पे अलग अलग इफ़ेक्ट करेगा ना, जो जो आप चाहते हो। अभी मुझे तो नहीं पता कि क्या चाहते हो
अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। यस, मेजर अरकाना से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। थैंक यू जून 2022, थैंक यू एंजल्स। ओके, मैं इसे करना चाहूँगी। थैंक यू जून 2022 सेजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज़। ओके थैंक यू। ओके अपने आप आ गया कार्ड, थैंक यू सो मच। ये उल्टे सीधे हैं क्या? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है डेविल। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने अभी आपको क्या बोला है, और हाई प्रीस्टेस। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने ये बात बोली है तो बहुत लोग सोचने लग गए होंगे क्या चीज़ है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है ना। तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे हैं तभी इस तरह के कार्ड आए हैं। और देखिए डेविल की ऊर्जा है जो कि कन्फर्म करती है कि कोई या तो पर्सन है या कोई सिचुएशन है या खुद का आपका कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, कोई चीज़ है जो आपको स्टक कर रखी है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। डेविल की ऊर्जा अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखते ना, वो जंजीरों से बंधा हुआ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी खुद की सोच हो सकती है, तो उसे डिलीट या फिर रिमूव करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है उस एनर्जी को। और इस चीज़ को कैसे समझोगे, यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, देख रहे हो आप, हाई प्रिस्टिस की एनर्जी। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो, अपनी इंट्यूशन को से कनेक्ट हो, अपनी इंट्यूशन को सुनो और जैसा आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है उसे फॉलो करो, तभी आप इस एनर्जी को किल कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप देखोगे ये शक्ति माँ की एनर्जी है और ये डेविल आप देख रहे हो, ये वही डेविल है जो शक्ति माँ उसे मतलब किल कर रही हैं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी फेमिनिन साइड भी हो सकती है, अपनी फेमिनिन साइड को ओपन कीजिए, ठीक है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है आपको, तो ये डेविल अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, ये जो जून का महीना है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। हाई प्रिस्टिस की एनर्जी आई है आपके लिए, या इंट्यूशन आपकी पीक पे रहने वाली है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी ताकि आप इस ऊर्जा को किल कर सको, इसे रिलीज़ कर सको अपनी लाइफ में, या फिर इस ऊर्जा से अपने आप को छुड़ा सको और आगे बढ़ सको। ये है वक्त एक्शन लेने का, वहाँ स्टक रहने का नहीं है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो ये जो ऊर्जा आती है द डेविल की ऊर्जा, उसमें वो पर्संस खुद स्टक हैं उस ऊर्जा में, समझ रहे हो आप, वो खुद स्टक हैं, वो निकल सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन वो खुद की मर्जी से नहीं निकल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस एनर्जी से बाहर निकलना है ये महीना। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जहाँ किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी को नो कहने की ज़रूरत है या किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उस पर अमल करिए, ठीक है, एक्शन लीजिए आप। थैंक यू सेजिटेरियस धनु राशि, क्या आ रहा है जून 2022। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं सेजिटेरियस धनु राशि। नाइन ऑफ वॉन्ट्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, हैंग्ड मैन, बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं आपके कार्ड्स। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं खुद आना चाहता था ये कार्ड, टावर, देखा। बिल्कुल बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किसी का कोई फैमिली इशू हो सकता है या कोई जॉब से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, किसी की कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम पहले और कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन हम आगे बात करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, प्लीज़ बताएं, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। ओके, टू कार्ड्स निकले हैं, मैं नहीं ले रही हूँ। फ्रेंडलीनेस, होप आपको कार्ड दिख रहे हो माय डियर।
वैसे तो मैं बोल ही रही हूँ। अगेन इनर वॉइस सी द सोर्स, ये कार्ड अभी नीचे गिरा था। ओके द माइजर, बॉटम ऑफ द डेक है एग्जिस्टेंस की एनर्जी। अपनी पावर को क्लेम कीजिए, अपनी पावर को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी अपनी कीमत को समझने की यहाँ पे ज़रूरत है सेजिटेरियस। ठीक है, देखिए कुछ पास्ट की बातें या कुछ पास्ट के लोग या कुछ पास्ट की ग्रजेस आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। आप उन्हीं थॉट्स में हो और उन्हीं चीज़ों को बार 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 सोचते जा रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो। डिसीज़न लेते हो लेकिन खुद ही अपने लिए बैरियर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ ना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ, आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट को यहाँ पर पास्ट कहें, आपके थॉट पैटर्न्स कहें, या जो भी लिमिटेशंस आपने, देखिए ये बैरियर्स हैं। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है ये, जैसे कि आपने अपने ही आसपास दीवारें खड़ी कर रखी हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो ये कुछ लोगों के लिए उनके खुद के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, या खुद की सोच हो सकती है, ऐसी जो भी, चाहे कोई पर्सन है, थॉट है, जो भी है आपकी लाइफ में, ऐसी चीज़ को उस जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ये पर्सन ना बस उसे वॉन्ट्स की लाइन बना करके रास्ता को ब्लॉक कर रखा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वही काम आप कर रहे हो। तो या तो कोई सिचुएशन आपको रोक रही है, या कोई पर्सन आपको रोक रहा है, या आपकी खुद की सोच आपको रोक रही है। तो आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये जो महीना रहेगा ना, आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना है, इंट्यूशन पे आपको अपना वर्क करना है, मेहनत खूब करनी है यहाँ पे। अगर हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए ये भी ऊर्जा है कि आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हैं, जो काम करना चाहते हैं फोकस्ड हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों की ना इंट्यूशन ब्लॉक नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पे माइजर की ऊर्जा है, अगर आप देखें तो फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। अगर आपका हार्ट चक्र माय डियर सेजिटेरियस अगर ब्लॉक है ना, तो आप अपनी इंट्यूशन को कैसे सुनोगे। अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए और ये आपको बता रहा है, जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, आप इस एनर्जी को किल करोगे, आपकी लाइफ में अपनी इनर वॉइस को जैसे ही आप फॉलो करते हो, आपकी लाइफ में वो जॉय, वो हैप्पीनेस क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे लिटरली डॉल्फिन्स की एनर्जी है जो जॉय को दिखाती है, और यहाँ अगर आप देखें तो क्लियर क्वार्ट्स की भी एनर्जी है जो कि दिखाता है कि वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। समझ रहे हो आप, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। और ये मंथ है मंथन करने का, चीज़ों को गहराई से देखने का। हैंग्ड मैन की ऊर्जा है, दोबारा से एक रिव्यू लेने का जो अभी तक आपकी लाइफ में हुआ, जिस भी प्रॉपर, अगर कोई प्रॉपर एरिया है आपका, आप जिसको लेकर के देख रहे हो ये रीडिंग, वो, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ, उसका एक रिव्यू लेने का, रिवाइंड बटन को दबाने का, कि दोबारा से पीछे जाओ, देखो क्या क्या हुआ था, क्या चीज़ें क्रिएट हुई हैं, क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं आगे बढ़ने से, क्या लेसन्स आपने लर्न कर रहे हैं और क्या लेसन्स आपने लर्न करने हैं। यहाँ ये वक्त है छांटने का कि क्या गलत है, क्या सही है, जो सही नहीं है उसे रिलीज़ करने का वक्त है ये, और अपनी पावर में आने का वक्त है, और जो सही है उससे कनेक्ट होने का वक्त है। ये द सोर्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। एक पैशनेट शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो शुरुआत जो है वो तभी होगी जब आप ये मंथन करोगे अपने अंदर, एक गहरी सोच में जाओगे, रिवाइंड बटन दबाओगे अपने दिमाग में। ठीक है, अपनी पूरी लाइफ का जायज़ा लोगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, और क्या आपको रोक रहा है बढ़ने से आगे, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या आपकी लाइफ में आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, कौन से थॉट पैटर्न सही है, कौन से लोग सही हैं, क्या सिचुएशन कौन सी सही है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं बढ़ना है। क्योंकि कुछ तो है यहाँ पर जो रॉन्ग बिल्ड हुआ है, जिसकी फाउंडेशन यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है, और आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी को इस महीने रिलीज़ करने के लिए। आप ना उस फाउंडेशन से बहुत, अगर ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये लेडी को देख रहे हो, आपका बहुत लगाव है इस रॉन्ग फाउंडेशन से।
अभी आपका थॉट पैटर्न है, या फिर कोई एडिक्शन है आपका, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई लालच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको, क्योंकि ये मनी का लालच भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे जिससे आपको बहुत अटैचमेंट है, तो उस अटैचमेंट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से अटैच्ड हो आप इस ऊर्जा से, तो उसे रिलीज़ करना है यहाँ पे, तभी आपकी लाइफ में ना वो पॉजिटिव ग्रोथ आ पाएगी। यहाँ पे अपने हार्ट को ओपन करो, ओपन होने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। देखो सेजिटेरियस, इस महीने आपको इंट्यूशन तो आ रही है डेफिनेटली। यहाँ पे दो कार्ड से, इनर वॉइस का भी कार्ड है और हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है, लेकिन आप कितना वर्क कर रहे हो, आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हो, क्योंकि मैंने बोला ना ये वक्त रहेगा ही नहीं आपका कि सिर्फ सोचना, मतलब सोचना तो है, मतलब आप उस पर एक्शन लेना है। ये जो दिखा रहा है, ये देख रहे हो हैंग्ड मैन आया है, तो एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी आई है, साथ ही साथ टावर की ऊर्जा भी आई है। सोचो, अमल करो, उस पर वर्क करो और उसे रिलीज करो और आगे बढ़ो। इंट्यूशन को फॉलो करो, हार्ट चक्रा को ओपन करो, तभी आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ पाएगा, तभी आपकी लाइफ में वो हार्मनी आ पाएगी। किसी, ये जो है ना, ये जो हार्मनी आना चाहते हैं, ये जो बैलेंस आना चाहते हैं, लिटरली टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो अबंडेंस या ये जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आना चाहती है ना, वो आप खुद ब्लॉक किए हुए हो, आपने खुद बैरिगेट्स जो है अपने आसपास बना रखे हैं, पास्ट के किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, या किसी अपने थॉट पैटर्न से ऐसी अटैचमेंट है जिसका फाउंडेशन ही रॉन्ग है। उसे रिलीज करना है। अब अपने अकॉर्डिंग देखिए वो क्या चीज़ हो सकती है। मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। आप अपने एरिया से, अपनी सिचुएशन से इन चीज़ों को रिलेट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। हम लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता है ना, तो आप देखिए आपकी ग्रोथ में क्या ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। अभी वो एक्शन आपको लेना है, आप में अपनी हिम्मत, उस हिम्मत को लाना है, लेकिन यहाँ पर ना आप फोकस नज़र आ रहे हो, आप भी फ्री होना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट्स ना आपको बढ़ने से रोक रही है। तो यहाँ पे माय डियर, इस जो महीना रहेगा ना, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालिए, हार्ट चक्रा की एफर्मेशंस डालिए, अपनी इंट्यूशन उसे इग्नोर मत कीजिए। और जो आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, ये एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, एक पैशनेट शुरुआत होना, एक नई शुरुआत को दिखाता है ये, समझ रहे हो आप। बहुत मतलब फायर है इस कार्ड में, तो कुछ क्रिएट होना चाहता है, एक नई शुरुआत होना चाहती है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे मेडिटेशन भी चाहिए, हैंग्ड मैन की ऊर्जा है यहाँ पे, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन सब चाहिए यहाँ पे आपको। ये महीना चुनने का है, ये महीना ऐसा मौका मिल रहा है आपको इस महीने के लिए, समझ रहे हैं आप, तो इसे गहराई से समझिए। चलिए आपके लिए देखते हैं और क्या कार्ड चाहिए। यहाँ पे डेफिनेटली तभी आपके लिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है, अपनी कीमत को पहचानो, क्या डिजर्व करते हो आप। ये मैं कार्ड यहीं रख लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अपनी कीमत को पहचानना है आपको इस महीने सेजिटेरियस, कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपकी भी अहमियत है, आप भी एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में। आप अपने आप को ना बहुत हल्के में ले रहे हो, यहाँ पे सेल्फ लव की भी कमी आ रही है अपने लिए। आपने बहुत नेगेटिव कुछ ऐसे पैटर्न्स क्रिएट कर रखे हैं, आप अपने आप को कुछ कम आंक रहे हो, कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं, ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए यहाँ पे, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप अपने आप को जानते नहीं हो, आप अपना कितना को, आप कितना क्या क्रिएट कर सकते हो। सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये दिखाता है सैक्रल चक्रा आपका और सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो स्ट्रांग हो रहा है, आइडियाज़ बहुत आएंगे आपको यहाँ पर। थैंक यू माई एंजल्स, प्लीज़ बताएं सेजिटेरियस के लिए, जून मंथ के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप सेजिटेरियस को। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड सेजिटेरियस। ओके, इमेजिन एंड इनविजन, देखिए आपके लिए कार्ड। थैंक यू। एक सेकेंड, सारे कार्ड्स आ गए थे। थैंक यू सेजिटेरियस, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, मैंने आपको यही बोला ना,
बॉटम ऑफ द डेक है जॉय एंड डिलाइट, और ये वाइब्स मैंने आपको यहाँ से दिए हैं। डॉल्फिन्स है ना, आपकी लाइफ में वो जॉय आना चाहता है, हैप्पीनेस आना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना पड़ेगा, वो काम करने होंगे जो आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, ठीक है। देखिए सैजिटेरियस, इस मंथ जो है आपको डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पे इमेजिन एंड इनविजन, आप ना विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए, ठीक है। आप जो चीज़ें चाहते हो उस पर लिख सकते हो, अगर कोई पर्टिकुलरली कोई आपकी, जैसे कार आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई बड़ा घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जैसा आप चाहते हो उसको लेकर के आप उसकी कटिंग कर सकते हो, किसी मैगजीन में से लेकर के उसे विजन बोर्ड पे लगा सकते हो। आते जाते समय उसे देखो, उसे फील करो कि यस आप वो घर, उस घर में हो, वो घर आपका है। ये मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप बना सकते हो। यहाँ पे जर्नल की एनर्जी है, अगर आप देखें तो ये जो लड़की है ये जर्नल लिख रही है, तो यहाँ पे आप जर्नल भी कर सकते हो। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो ना, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे कुछ भी है अपनी लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर के, आप उसे लिखिए पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, प्रेजेंट टेंस मतलब कि वो चीज़ हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे कि आप कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास कार आएगी, आप बोलोगे मेरे पास ये वाली कार है, मैंने ये खरीद ली है, मैं इसे ड्राइव कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। तो प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है इस तरीके से, वो चीज़ जैसे हो चुकी है, और उस एनर्जी को आपको फील करना है कि यस वो चीज़ आपके पास है। तो देखिए आपकी लाइफ में वो चीज़ कैसे मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि ये वक्त आया है आपके लिए मैनिफेस्ट करने का, विज़न बोर्ड क्रिएट करने का, जर्नल करने का। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, ठीक है। शांति के लिए, पीस के लिए यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेजर एक कोई डिसीजन कह सकते हैं या फिर कुछ एक्शंस आप ले रहे हो ये मंथ में, ठीक है ना, तो इसके लिए मेडिटेशन तो ज़रूर चलेगा, और मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आप फ्रस्ट्रेट हुए, जहाँ आपके अंदर वो फियर आया, जहाँ आपके अंदर वो गुस्सा आया, ठीक है, तो वहाँ आप गलत एक डिसीज़न ले सकते हो, समझ रहे हो आप मेरी बात। वहाँ आप अपनी इंट्यूशन से भी कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके अंदर वो पीस आ पाए, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाओ, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील करो, पीस में आओगे, तभी आप वो एक डिसीज़न ले पाओगे, या वो आप अपनी लाइफ में वो समझ पाओगे कि आपने किस चीज़ से क्या सीख ली, आपकी लाइफ में क्यों हुई ये चीज़ें, समझ रहे हो आप मेरी बात। तभी आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि हैंग्ड मैन की ऊर्जा है ये यूं ही नहीं आती है, ये डीप एक मेडिटेशन को और कंटेम्पलेशन को दिखाता है कि जो अभी तक आपकी लाइफ में हुआ है उसे एक बार रिवाइंड बटन दबाने की ज़रूरत है, उसे एक बार और देखने की ज़रूरत है। जो आप काम कर रहे हो, जिस राह पे हो, या जो आप चाह रहे हो ना, उसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली वो सही आप वही चाहते हो या नहीं। एक जिसे कहते हैं ना कि दोबारा से चेक करना, ये वो चीज़ है। तो आपको ये मौका मिल रहा है इस महीने के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए सैजिटेरियस धनु राशि के लिए जून 2022। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सैजिटेरियस, ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, डिसीट, डोर टू वैल्यू एंड कम्युनिटी। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। देखिए आपके लिए ये कार्ड्स पहले मैं लेना चाहूँगी, ये ना आपके
ब्लेसिंग्स में निकले हैं। ब्लेसिंग्स में इन द सेंस ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए अपने यहाँ पे चार नंबर का कार्ड है, ये भी चार नंबर का कार्ड है जो कि स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, फाइनेंसिस को लेकर के थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है ये मंथ में आपको, ठीक है। वहाँ खर्चा कीजिए जहाँ बहुत ज़रूरी है, ये आपको ये मैसेज दे रहा है, समझ रहे हैं आप। जहाँ आप चीज़ों को समझेंगे ना, समझ करके खर्च करेंगे, वहाँ आप अपने फाइनेंसिस को चेंज होते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू भी आया है, ओ माय गॉड, यहाँ पे 444 की ऊर्जा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 444 जो एनर्जी आई है ना, अगर आपको 444 नज़र भी आता है, अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पे ऑलरेडी ये ऊर्जा आराम से है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चेंज कीजिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, ये सबसे बड़ा मैसेज है ये 444 का। तभी आप अपनी लाइफ में वो अबंडेंस, वो प्रोस्पैरिटी क्रिएट कर पाओगे या वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात। मनी को खास करके देखने के नज़रिए को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। लाइफ में कभी किसी के साथ मनी को लेकर के धोखा मत करना, नहीं तो आपको पलट करके वो धोखा मिलेगा, आपको बोला जा रहा है। और मनी को लेकर के अगर कोई लालच है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमारे पास डेविल की ऊर्जा भी आई थी बॉटम ऑफ द डेक, तो उसे इस वक्त यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ मनी के कारण जुड़े हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि इस ऊर्जा से बाहर निकलो, समझ रहे हो आप मेरी बात। आपकी लाइफ में ना ढेर सारी जो मनी है वो मैनिफेस्ट होना चाहती है, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ आपको अपने अंदर के थॉट पैटर्न्स को, मुझे तो ये जो टावर की एनर्जी लग रही है ना, कुछ लोगों के अंदर की चेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे, कि आपको अंदर से अपने थॉट्स को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और ये महीना आपको आपकी कम्युनिटी की मदद खूब मिलेगी, समझ रहे हो आप, आपको आपके मदद करने वाले लोग बहुत मिलेंगे इस महीने में, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। अभी वो फिजिकल रिलीफ में भी हो सकती है, आपके आसपास के लोग या आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर होंगे जो आपकी मदद करेंगे। और दूसरा यहाँ पे डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे स्पिरिट्स भी आपके लिए, आपकी मदद के लिए आ रही हैं। जहाँ आपको फेदर्स दिखते हैं, आपको पिजन्स नज़र आते हैं, खासकर वाइट पिजन, आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे 444 आना, 222 की एनर्जी, सिंक्रोनिसिटीज आप देख रहे हो कितनी है यहाँ पर। तो आपको ऑलरेडी गाइड किया जा रहा है, अब आप उस गाइडेंस को लेते हो या नहीं लेते हो। देखिए ऑल ऑन ऑल अगर मैं इस पूरे स्प्रेड की अगर बात करूँ ना सेजिटेरियस, आपको एक अपनी लाइफ का रिवाइंड बटन दबाने की ज़रूरत है कि आप एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, आपने उससे क्या क्या लेसन सीखा है, आप अभी क्या कर रहे हो, क्या लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहते हो जो आपके लिए सही है, और उस पर आप कितना वर्क कर रहे हो, क्या सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, और अगर नहीं जा रहे हो तो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, उसे ठीक करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और ख़ासकर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी ये महीना, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट है भाई आपके लिए, आपको गाइडेंस दी जाएगी। अभी यहाँ पे आपके लिए नंबर्स आ गए, 444 222 यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो और आप उस पर काम भी करें। तो यस, ये थी आपकी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।